राजनपुर की नस्ल के वो ख़ास बकरे जिनको खिलाया जाता है खल, वंडा, चौकर, गंदम, मकई और दाने और इस किस्म के बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स इनको खिलाए जाते हैं, जिनको तेल जो सरसों का तेल है वो पिलाया जाता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी गजाएं खिलाई जाती हैं। आएँ आज आपको मिलवाते हैं जी उन मालकान से जो इनको बड़े ही प्यार से पालते हैं और बहुत सारे तकरीबन 40 से 50 जो है इनके पास इस किस्म के राजनपुर नस्ल के ख़ास किस्म के बकरे हैं जिनको रोज़ नहरों में नहलाया जाता है। यहाँ पे जी घर के जो अपने पाले हुए इनके बकरे हैं तो हमारे साथ मोहम्मद सईद साहब मौजूद है। भाई सईद अपने जो घर के पाले हुए बकरे इनके हैं और ये बकरे तकरीबन 15 से 20 बकरे हैं। तो ये मेन जीटी रोड ब्रांच पे अब्दुर रहमान टिक्का हाउस है। तो ये बकरे हैं जी इनके और बकरे आपको दिखाते हैं माशाल्लाह इनके कद काठ भी बहुत बड़े हैं। तो मैं आपको फ्रंट कैम से आपको दिखाता हूँ और साथ साथ इनके रेट्स भी बताता हूँ। बहुत ही अच्छे किस्म के बकरे हैं। क्या क्या इनको खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है, कितनी देर से ये बकरे जो है वो इनकी देखभाल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, सारा कुछ आज आपको इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। जी सईद भाई अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी है ठीक है, खैर वाफियत है। अच्छा जी तो मोहम्मद सईद भाई, सईद भाई क्या बकरों को खिलाते हैं पहले तो ये बताएं। ये आपका जो बकरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पला हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको बकरा दिखाता हूँ जी, फिर इनका इनसे पूछते हैं कितनी इसकी हाइट है। ये देखें भाई का कद आप देख लें और बकरे की हाइट आप चेक कर सकते हैं। ये देखें उनके कंधों के बराबर जो है वो बकरा माशाल्लाह आ रहा है, बड़ी अच्छी देखभाल इनकी की जाती है। तो पूछते हैं जी क्या क्या इनके रेट्स हैं। अच्छा सईद भाई क्या हाल चाल है, खैरियत है? अच्छा ये बहुत आपका कमाल किस्म का बकरा है जी माशाल्लाह, कद काठ भी इसका बहुत बड़ा है। इसका सबसे पहले इसका कद बताएं, ये लंबा कितना है और ऊंचाई इसकी कितनी है जी? इसकी ऊंचाई तो है 40 इंच। 40 इंच लंबा है जी? नहीं 45 इंच लंबा है। 45 इंच जो है वो लंबाई है इसकी बकरे की और ऊंचाई कितनी है जी? 40 इंच। अच्छा ठीक हो गया, तो 40 इंच ऊंचाई है, ऊंचाई और 45 ये लंबा है। अच्छा इसका क्या रेट है जी, क्या क्या? इसका 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए जी। और अच्छा 2 लाख रुपए रेट है जी? जी जी। अच्छा सईद भाई अगर कोई मेरे YouTube चैनल की तरफों आंदा इरफान भट्टी व्लॉग्स की तरफों तो तुसी उन्हें मोहब्बत भी करोगे, कंसेशन भी करोगे? इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। अच्छा जी, जी अगर आप मेरे चैनल की तरफ से आते हैं इरफान भट्टी व्लॉग्स की तरफ से उनसे आकर मिलते हैं तो ये आपको बड़ी मोहब्बत के साथ कंसेशन भी करेंगे। अच्छा सईद भाई इन्हों की खिलाते हो, की पिलाते हो, जरा ये भी मेरे नाज़रीन दसो जी। दुध अपनी जाती रखी हुई जी। अच्छा जी, दुध उस चने की दाल उस तू बाद मकई। अच्छा अपना चौकर। अच्छा दा वंडा। अच्छा। उस तू बाद एक मसाला बनाया हुआ है। अच्छा वंडा अपना घर का तैयार करी दा जी, जी, जी। स्पेशल जिसे अलसी सोए सौंफ जो भी एरा वगैरह है ना जी, अच्छी असी आप दिलाया हुआ जी। अच्छा जी वो करी दा जी, इन्हों की पुट्ठ के उत्ते हाथ रख के आके चेक करो और चेक करके फिर साढ़े को रेट पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा दो दंद से दंद। अच्छा ये इसका दोंदा जी ये दिखा रहे हैं, ये देखे जी ये दोंदे बकरियां और ये वाला जी ये भी दोंदा ही है, ये दिखाएं जी जरा इसको, ये भी दोंदा ही है जी। मैं तुमको रख देना, ये देखिए। अच्छा माशाल्लाह ये बकरा जो आपका सबसे बड़ा है जी, ये वाला जी, जी। और इससे सेल हो गए कल काफी थे। अच्छा वो हमारे सेल हो गए, ये देखिए। अच्छा बाकी जेडे सेल हो गए ताडे, हां जी। ते जेड़ा ए वाला बकरा एदा की रेट है जी? भाजी एदा 140 रेट है। 140 एदा वजन किन्ना कुणा जी? वजन तकरीबन 50 किलो होएगा इंशाल्लाह। 50 किलो वजन होएगा। ते सईद भाई मैं एक चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ 60 ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਫੀ ਗੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਫੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲੇਗਾ। 60 ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਜੀ 160 ਕਿਲੋ 50-60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਹੋਏਗਾ। 50-60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਛੱਡੀ ਆ ये जी, बहुत सारी बकरों की कह सकते हैं, सारे बकरे जो है टोटल वाइट हैं। ये देखें
अच्छा ये बकरियां नु की कहंदे लम्मे कन्न वाले बकरियां नु की कहंदे ने राजनपुर दे हां जी राजनपुर के खास बकरे हैं जी अच्छा ये एक ये वाला पकड़े जरा वो राजनपुर वाला ये पकड़े इसको दिखाएं ये जरा कहंदे पंजाब विच डब खड़ब्बा जिया लाल रंग विच पाया जांदा ये देखो ये लाल डब्बा है ये देखे जी रोज इनको नहलाया जाता है मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है अपना देखें जी बकरों की हिफाजत इस तरह की जाती है भाई कह रहे सईद भाई कहते हैं कि शैंपू वगैरह भी असं लाया जाता वा सेफ गार्ड या शैंपू हेड एंड शोल्डर भी नवाते हो क्या बात है जी क्या बात है अच्छा सईद भाई यदा कितना वजन होएगा पचास किलो दरमियान ठीक हो गया अच्छा ये एक सिंगो वाला बकरा भी है जी राजनपुर ये भी राजनपुरी है ये भी राजनपुरी देखो माशाल्लाह फ्रंट देखो बकरे का माशाल्लाह जी बहुत ही कमाल किस्म के बकरे हैं जी अच्छा एदा कितना वजन होएगा जी एदा भाई 60 किलो भी होएगा 60 किलो गोश्त निकलेगा 60 किलो गोश्त एदी की डिमांड है जी एदी 1,80,000 रुपया 1,80,000 रुपया सईद भाई इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਨਾਗ ਹੈ 40 ਤੋਂ 50 ਨਾਗ ਜੀ ਜੀ ਸਈਦ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਟਿਕਾ ਹਾਊਸ ਸ਼ਦਾਬ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਫਾਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਸਈਦ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣਾ 0301 ਜੀ 6294996 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ 0301 6294996 ਆਇਆ ਜੀ ਸਈਦ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਦ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ 0300 7699 ਦੁਬਾਰਾ 7200 99 0300 7200 99 ये है जी सारे जो भाई इनके साथ साथ ये देखभाल करते हैं जी बकरे यहाँ पर ये देखें साड़ा मालक वो बैठा कुर्सी के साथ घर का बनाया चारा जी पिछली